अनिका से कोई कांटेक्ट ना होने की वजह से रियांश की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे ढूंढते हुए रियांश की आज जो हालत थी वो हर बार हुए हादसों से थोड़ी अलग थी। आज पता नहीं क्यों रियांश के माथे पर पसीना था। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई अपना गुम हो गया है। वो कहते हैं ना, कभी कभी हमारा दिल जो भांप नहीं पाता उसे हमारा चेहरा दिखा देता है। अनिका को जब कई बार फोन ट्राई करने पर भी उसका फोन नहीं लगा तो रियांश के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया और उसने अनिका के ऑफिस में कॉल कर दिया। फोन अनिका की सेक्रेटरी हिना ने उठाया था। वो फोन उठाकर बोली, हेलो, आई एम हिना, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? रियांश ने कॉल रिसीव होते हुए ही उससे कहा, मैं रियांश बोल रहा हूँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मिस अनिका इस वक्त कहाँ है? हिना अपनी ठंडी और शांत आवाज में धीरे से रियांश से बोली, मैंने तो उन्हें ऑफिस में अमन के साथ देखा था, उसके बाद वो जल्दी में कहीं निकल गई थी। रियांश ने धीरे से अपने मन में कहा, अमन के साथ? मतलब अमन और अनिका मुझसे झूठ बोलकर मिल रहे हैं, इन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रियांश ऐसे बोला था जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी टॉफी चोरी होने का बदला लेने जा रहा हो। इतना बोलकर रियांश ने फोन काट दिया कि तभी हिना ने वापस से रियांश को कॉल किया और उससे बोली, मैं कंफर्म तो नहीं बता सकती लेकिन आज मंदिता मैम के घर पार्टी है, हो सकता है अनिका मैम भी वहीं गई हो। रियांश ने तुरंत अपनी गाड़ी मंदिता के घर की तरफ मोड़ दी। उस सुनसान सड़क पर रियांश ठीक वैसे ही कार ड्राइव कर रहा था जैसे खाली आसमान में बाज उड़ रहा हो। उसे अमन पर काफी तेज गुस्सा आया था लेकिन इस समय उसे सिर्फ अनिका की चिंता हो रही थी। थोड़ी देर में रियांश मंदिता के घर पर था। रियांश को ऐसे बिना इनवाइट के अपने घर पर देखकर मंदिता थोड़ा डर सा गई थी। पार्टी में मौजूद सारे लोग उसकी तरफ देखने लगे लेकिन रियांश ने इस बात की परवाह किए बिना ही जोर से मंदिता से पूछा, अनिका कहाँ है? मंदिता रियांश के हाव भाव देखकर ये तो जान चुकी थी कि आज रियांश बहुत ज्यादा गुस्से में है। उसने रियांश के इस रूप को पहली बार देखा था। मंदिता के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने उंगली से इशारा किया कि अनिका बालकनी की तरफ है। रियांश तुरंत बालकनी की तरफ चला गया। तभी वहां खड़े लोगों में से एक बोला, मैं तो सोचता था ये सब अफवाहें हैं लेकिन अनिका और रियांश के बीच सच में कोई रिश्ता है, ऐसा रिश्ता जो जिसे ये दोनों ना ही उगलना चाहते हैं और ना ही निगलना चाहते हैं। तभी उसके पास खड़ा दूसरा आदमी बोला, उसे बेशर्मी का रिश्ता कहते हैं यार, खैर हमें क्या, हम तो पार्टी इंजॉय करने आए हैं। ऐसा कहकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर अजीब सी हंसी हंसने लगे। बालकनी में अनिका को ना देख रियांश मंदिता की तरफ घूर कर देख रहा था, मानो वो ये कहना चाहता हो कि मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। रियांश गुस्से में मंदिता की तरफ आ रहा था कि तभी अनिका की सैंडल से उसका पैर टकरा गया। मंदिता सैंडल देखकर घबराते हुए बोली, ये तो अनिका की सैंडल है लेकिन अनिका कहाँ है? इतने बड़े बंगले में अनिका को तुरंत ढूंढ पाना आसान नहीं था। कार्तिक तुरंत समझ गया था कि अब उसकी पोल खोलते देर नहीं लगेगी, इसीलिए जब उसने देखा कि सब इधर उधर अनिका को ढूंढने में बिजी हैं तो वो उसी रूम में चला गया जहां उसने अनिका को रखा था। वो चुपके से अनिका को बाथरूम तक लाकर उसमें छुपा देना चाहता था क्योंकि अनिका अगर एक बार होश में आ गई तो उसका भेद खुल सकता था। वो अनिका को छुपाकर जैसे तैसे उस पार्टी से निकलना चाहता था। कार्तिक ने जैसे ही अनिका को गोद में उठाया अचानक से उस रूम का दरवाजा खुला और रियांश कार्तिक के सामने खड़ा था। शायद रियांश ने कार्तिक को चोरों की तरह कमरे में घुसते हुए देख लिया था। रियांश तुरंत कार्तिक के पास आया और उसने गुस्से में अनिका को अपनी गोद में लिया और वो गुस्से से अनिका के चेहरे की तरफ देखते हुए कार्तिक से दांत पीसते हुए बोला, क्या किया है तुमने अनिका के साथ? कार्तिक अपनी सफाई में कुछ कहता तब तक रियांश ने अनिका को बेड पर लिटा दिया और कार्तिक के पास आ गया। रियांश की गहरी भूरी आंखें और लाल गाल देखने से साफ पता चल रहा था कि रियांश के सर पर खून सवार है। ऐसा लग रहा था मानो रियांश की सबसे पसंदीदा चीज को नुकसान पहुंचाया गया है और अब रियांश अपना बदला लेने में किसी चीज की कसर नहीं छोड़ेगा। रियांश ने बिना सोचे समझे कार्तिक को मारना शुरू कर दिया। कार्तिक बचाव कर रहा था लेकिन रियांश जैसी पर्सनैलिटी के सामने टिकना नामुमकिन था। रियांश ने उसे कमरे से बाहर धक्का दिया और अब वो दोनों पार्टी में सभी के सामने आ चुके थे। कार्तिक के होंठ से हल्का हल्का खून निकल रहा था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रियांश को रोक सके और शायद जिसने थोड़ी बहुत हिम्मत थी रियांश को कंट्रोल करने की वो खुद ही बेहोश पड़ी थी। मंदिता ने जब देखा कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं तो वो बहुत हिम्मत जुटाकर रियांश से बोली, रुक जाओ रियांश प्लीज, अभी अनिका को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। उसने जैसे ही इतना कहा तो रियांश एकदम से रुक गया लेकिन उसकी आंखों का गुस्सा उसकी बंद मुट्ठी से साफ समझ में आ रहा था कि वो खुद अपने कंट्रोल में नहीं है। रियांश ने एक मिनट तक कार्तिक को घूरा और फिर गुस्से से उस कमरे में चला गया जहां अनिका थी। कार्तिक जमीन पर पड़ा था, उसकी असलियत सबके सामने आ चुकी थी। मंदिता कार्तिक के करीब आई और उसकी तरफ देखकर बोली, तुम इतने गिरे हुए थे, मैंने कभी सोचा नहीं था, निकल जाओ यहां से और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। उसके जाने के बाद मंदिता ने सभी से हाथ जोड़कर कहा, पार्टीज ओवर नाउ, और मंदिता भी अनिका के रूम में चली गई। जब उसने देखा तो अनिका कहीं नहीं थी और ना ही रियांश, लेकिन तभी सामने बने बड़े से बाथरूम का दरवाजा उसे खुला हुआ नजर आया। जब उसने अंदर जाकर देखा तो वो दंग रह गई।
बाथ टब में पानी भरा हुआ था और अनिका बेहोशी वाली हालत में उसमें बैठी थी। रियांश अनिका के पास खड़ा उसे देख रहा था। मंदिता ने डरते डरते रियांश से कहा, हमें किसी अच्छे डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। रियांश बिना सर उठाए अनिका की तरफ देखते हुए बोला, मेरा फ्रेंड डॉक्टर है और मैं उसके साथ रहा हूँ, मुझे पता है कि इसे कैसे ठीक करना है। यहाँ रियांश के आगे मंदिता मजबूर थी, लेकिन उसने चुप रहना ही सही समझा। लगभग 3 घंटे गुजर चुके थे और मंदिता उसी दरवाजे के पास खड़ी थी। रियांश अनिका के आसपास चक्कर लगा रहा था कि तभी अनिका बेहोशी की हालत में बहुत धीरे से बुदबुदाते हुए बोली, रियांश प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज रियांश मेरी हेल्प करो। मंदिता अनिका के पास आती कि तब तक रियांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो धीरे से बोला, डोंट वरी अनिका, आई एम हियर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ तक मंदिता को पता था, उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करें, लेकिन वो इतना तो समझ रही थी कि इन दोनों के दिलों में ना चाहते हुए भी प्यार का बीज पनप चुका है। मंदिता ने वहां से हट जाना ही सही समझा, क्योंकि अब अनिका की हालत भी नॉर्मल हो चुकी थी, इसीलिए वो अपने रूम में चली गई। मंदिता के जाने के बाद रियांश को पता नहीं क्या सूझा, उसने रूम अंदर से लॉक कर लिया और बाथटब में अनिका को अपनी गोद में लेकर बैठ गया। अनिका के बाल आधे भीगे हुए थे और उसके हल्के गुलाबी गाल। रियांश अनिका को देखे जा रहा था कि तभी अनिका ने रियांश की शर्ट को काफी जोर से पकड़ लिया, जैसे कि वो डर रही हो, वो किसी का सहारा चाहती हो। रियांश ने अनिका को बहुत टाइट हग कर लिया। उस हग में किसी तरह की कोई चाह नहीं थी, बस एक कम्फर्ट था, एक अपनापन था जो रियांश अनिका को देना चाहता था। बेहोशी हालत में ही सही अनिका खुद को सेफ महसूस कर रही थी। दोनों के बीच एक अनकहा प्यार अपने पंख फैलाने की कोशिश कर रहा था। शायद ये अगर पहले वाला रियांश होता तो कभी ऐसी बेवकूफ़ी ना करता, क्योंकि रियांश कोट पैंट पहनकर उस बाथटब में अनिका के साथ बैठा हुआ था। रियांश पूरी तरह से भीग चुका था और उसे हल्की हल्की सर्दी लग रही थी। अनिका की आँखें थोड़ी थोड़ी खुल रही थी और वो रियांश को महसूस कर पा रही थी। जब अनिका ने आँखें खोल कर देखा तो रियांश उसके चेहरे के बिल्कुल करीब से उसे देख रहा था। न जाने क्यों अनिका अपने चेहरे को रियांश के करीब ला रही थी। अनिका के गुलाबी होंठ, ठंडा शरीर, उन दोनों के बीच एक अजीब से सिरहन पैदा कर रहे थे। वो रियांश को खुद में महसूस करना चाहती थी। वो रियांश के होंठों पर होंठ रखती कि उसके पहले ही वो फिर से बेहोश हो गई, उसकी आंखें बंद हो गईं। रियांश ने अनिका को अपनी गोद में उठाकर बाथ टब से बाहर निकाला, क्योंकि उसे पता था कि अब अनिका थोड़ी ठीक हो चुकी है, इसलिए उसने अनिका को बेड पर लिटा दिया। रियांश रूम के बाहर निकला तो मंदिता हॉल में बैठी थी। रियांश मंदिता की तरफ देखकर बोला, अब तुम्हारी दोस्त ठीक है, उसके गीले कपड़ों को चेंज कर दो। इतना बोलकर रियांश वहां से चला गया। मंदिता उसे रोकना चाहती थी क्योंकि वो बिल्कुल भीग चुका था, लेकिन उसकी हिम्मत ना हुई। रियांश के जाते ही मंदिता तुरंत भागकर अनिका के पास गई। वो अनिका को सूखे ब्लैंकेट में लपेट रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। वो उसकी तरफ देखकर बोली, प्लीज अनिका मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी जिंदगी की मुसीबतें बढ़ाना नहीं चाहती थी, लेकिन अनजाने में मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ हुई। पर शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हारे पास रियांश जैसा पति है। भले ही तुम दोनों की शादी एक कॉन्ट्रैक्ट में हुई हो, लेकिन आज उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उससे तुम्हारा बहुत पुराना रिश्ता है। मंदिता ये सब इमोशनल होकर बोल रही थी। उसे भी पता था कि अनिका उसकी कोई बात नहीं सुन रही है। मंदिता रूम में पड़े सोफे पर बैठ गई। वो अनिका के होश में आने का इंतजार करने लगी। सुबह हो चुकी थी और मंदिता की आंख लग गई थी। अनिका की जब आंख खुली तो सामने मंदिता थी। अनिका के कपड़े बदल चुके थे और वो बेड पर लेटी हुई थी। उसका सिर दर्द से फट रहा था। ये सब देखकर अनिका थोड़ा घबरा गई और वो धीरे से बोली, मेरे कपड़े, मेरे साथ क्या हुआ था? ये सुनकर मंदिता की आंख खुल गई। वो अनिका के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसको शांत करते हुए बोली, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, ये कपड़े मैंने तुम्हें पहनाए हैं। तुम बेहोश हो गई थी इसलिए रियांश ने तुम्हें बाथटब में लेटा दिया था ताकि तुम्हारा नशा उतर सके। ये सुन अनिका अपना सर पकड़ते हुए बोली, रियांश यहाँ, लेकिन वो तो इस पार्टी में नहीं आया था। मंदिता समझ रही थी कि अनिका का सर काफी भारी है, इसीलिए वो अनिका की पीठ सहलाते हुए बोली, पहले तुम थोड़ा नॉर्मल हो जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। और कुछ भी सोचना मत, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, रियांश ने तुम्हें एक बार फिर बर्बाद होने से बचा लिया। इतना कहकर मंदिता वहां से चली गई और अनिका सामने लगे बड़े से शीशे में खुद को देख रही थी। उसे रात में जो हुआ वो हल्का हल्का याद आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसने सपने में रियांश को अपने पास देखा था। अब वो जानना चाहती थी कि रात में क्या क्या हुआ था।
अपनी दुनिया का एक मशहूर किरदार बन चुकी अनिका बेड पर पड़े ब्लैंकेट से खुद को ढक कर थोड़े दिनों के लिए ऐसी दुनिया से दूर होना चाहती थी, जैसे कि सर्दी के मौसम में एक नन्ही चींटी जो अपने शरीर पर खुद से ज्यादा बोझ लेकर चलती है। अनिका की भी कुछ वैसी ही हालत थी। उसने अपनी उम्र से ज्यादा जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ले लिया था, लेकिन पता नहीं क्यों जब अनिका ये सब सोचती थी तो अचानक से उसका दिमाग उसे बताने की कोशिश करता था कि वो अकेली नहीं है, रियांश हर मुसीबत में हर वक्त उसके साथ खड़ा है। अनिका गुमसुम सी बैठी थी, तभी मंदिता कमरे में आते हुए उसका चेहरा देखकर उसको थोड़ा नॉर्मल करने के लिए उसके पास कॉफी का कप रखते हुए बोली, मैं सोच रही हूँ कि अब मैं रियांश को जीजा बुलाना ही शुरू कर दूँ, क्योंकि काम तो उसके जीजा बुलाने वाले ही हैं। तुम्हारी केयर करना, हर वक्त तुम्हारे साथ खड़े रहना। देख अनिका, तू मान या फिर ना मान, अपने पति होने का अनजाने में ही हर फर्ज निभा रहा है। रियांश तुझे हर मुसीबत से बचाता है और वो तेरे ऊपर आने वाले हर खतरे को आगे आकर खुद पर ले लेता है। मुझे लगता है तुझे एक बार रियांश से अच्छे से अपनी शादी के बारे में बात करनी चाहिए। अनिका मंदिता की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि तुम वही मंदिता हो जो पहले दिन मुझे रियांश से दूर रहने के लिए कह रही थी। तुम कब से रियांश को एक परफेक्ट पर्सन समझने लगी? और ऐसा भी क्या कर दिया है उसने जो तुम्हारे दिल में उसके लिए इतने अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे हैं? मैं तो कहती हूँ कुछ दिन तुम ही रियांश के साथ रहकर देख लो, तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। फिर वो धीरे से कॉफी का कप उठाते हुए बोली, मंदिता कल रात मेरे साथ क्या हुआ था? मंदिता की आंखें शर्म से झुक गईं। वो ब्लैंकेट को अपने हाथ से पकड़ते हुए बोली, अनिका मुझे सच में नहीं पता था कि कार्तिक ऐसा होगा, नहीं तो मैं उसे कभी नहीं बुलाती। लेकिन तुम्हारा बदला रियांश ने ले लिया है, उसने कार्तिक को उसकी असली औकात दिखा दी है। मंदिता ने अनिका को बीती रात जो भी हुआ था वो सब डिटेल से बताया। आज पहली बार रियांश के बारे में बात करते हुए मंदिता का पर्सपेक्टिव बिल्कुल पॉजिटिव था। उसके मुंह से एक बार भी रियांश के लिए कोई गलत शब्द नहीं निकला था। वो तो मानो रियांश की फैन ही हो गई थी, और उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो अनिका और रियांश को हमेशा एक साथ ही देखना चाहती है। अनिका की तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उसने कॉफी पी और फिर शीशे के सामने खड़े होकर तैयार होने लगी, क्योंकि उसे ऑफिस भी जाना था। मंदिता को भी अनिका के साथ ही निकलना था, इसलिए जब वो ऑफिस के पास आई तो अनिका सामने शीशे में खड़ी खुद को देखकर मुस्कुरा रही थी। वो अपने चेहरे पर धीरे धीरे से अपनी उंगलियों को कडल कर रही थी। मंदिता ने अचानक से अनिका की अमर में गुदगुदी कर दी और हंसते हुए बोली, क्यों कल रात की खुमारी अभी तक उतरी नहीं क्या? मुझे नहीं पता था कि रियांश के गोद में उठाने से तुम्हें इतना अच्छा लगता है। इतना सुनकर अनिका शर्मा गई। आज ऐसा पहली बार था जब रियांश की बात पर अनिका का ये रिएक्शन था। पहली बार दोनों सहेलियां रियांश के बारे में इतनी अच्छी तरह से बात कर रही थी। उसके बाद दोनों एक कार से अनिका के ऑफिस निकल गई। अनिका को बीती रात की हल्की सी याद आ रही थी कि कैसे रियांश ने उसे बाथटब में हक किया था। उसे रात की हल्की हल्की यादें बिल्कुल साफ दिख रही थी। कार में बैठी अनिका बाहर की तरफ देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। शायद वो अपनी किसी दूसरी ही दुनिया में खोई हुई थी। उस दिन अनिका की सुबह एक बुरे ख्याल से हुई थी, लेकिन उसका दिन आज शाइन कर रहा था। अनिका को ऐसे ख्यालों में खोया हुआ देखकर मंदिता ने सॉन्ग प्ले कर दिया। वो सॉन्ग था, छुपाना भी नहीं आता, दिखाना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता। ये सॉन्ग सुनकर अनिका के चेहरे की मुस्कुराहट जैसे और बढ़ गई कि तभी मंदिता ने अपनी कोहनी अनिका के हाथ में मारते हुए कहा, इस गाने के लीड रोल में खुद को देख रही है क्या? और वो दोनों जोर से हंसने लगी। इतने में अनिका का ऑफिस आ चुका था और आज अनिका काफी खुश थी। माना कि जो सोचकर अनिका रात की पार्टी में गई थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन एक नया सवेरा हुआ जिसमें अनिका अपने दिल नाम के महल में घुंघरू बांधकर नाच रही थी। पता नहीं ये कैसी कशिश थी जो अनिका को रियांश के लिए महसूस हो रही थी। अनिका और मंदिता दोनों बातें करते हुए अनिका टेक्सटाइल्स लिमिटेड के अंदर दाखिल हो गई। पता नहीं क्यों लेकिन सब एम्प्लॉयज अनिका की तरफ देख रहे थे कि तभी अनिका के कान में एक आवाज आई, मैंने कहा था ना तुमसे कि मिस्टर रियांश और मिस अनिका के बीच रोमांस चल रहा है, अब ये वीडियो देख, इसे देखकर तुझे सब साफ पता चल जाएगा। अनिका ने पलटकर देखा तो दो लोग फोन में कोई वीडियो प्ले कर रहे थे। अनिका चाहती थी कि वहां पर कोई सीन क्रिएट ना हो, इसलिए वो चुपचाप अपने केबिन में चली गई और उसने मंदिता से ये सब पता करने के लिए कहा। थोड़ी देर में मंदिता अनिका के केबिन में थी। मंदिता का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था और उसके हाथ में उसका पर्सनल टैबलेट था। अनिका मंदिता को ऐसे देखकर बोली, क्या हुआ, तुमने ऐसे मुंह क्यों बना रखा है, क्या बातें हो रही हैं ऑफिस में, मुझे बताओ। मंदिता का चेहरा कई बातें बयां कर रहा था। उसका चेहरा देखकर अनिका ये तो समझ गई थी कि कुछ तो ऐसा है जो अनिका के लिए सही नहीं है, लेकिन जो वो सुनने वाली थी उसने इतना भी नहीं सोचा था। मंदिता ने धीरे से अपने टैबलेट में एक वीडियो ऑन करते हुए अनिका की तरफ रख दिया।
उस वीडियो में साफ दिख रहा था रियांश कैसे कार्तिक से अनिका को अपनी गोद में ले लेता है और फिर कार्तिक को बेरहमी से पीटता है। अनिका की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। वो वीडियो की तरफ एक टक देखते हुए बोली, पता करो इतनी गिरी हुई हरकत करने की हिम्मत किसने की। मंदिता ने हाँ में सर हिलाया और टेबलेट को उठाने वाली थी, लेकिन अनिका ने उसे रोक दिया। मैं इसे भिजवा देती हूँ, तुम जाओ। मंदिता जा चुकी थी और अनिका को वीडियो में पता नहीं क्या ऐसा खास मिल गया था कि वो वीडियो को बार बार प्ले कर रही थी। बार बार रियांश की आंखों में उसके लिए एक स्पेशल फीलिंग देखकर उसको खुशी हो रही थी। उसका मन कर रहा था कि ये लम्हा वो वापस रात में जाकर अपनी आंखों से देख पाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। इस वीडियो के नीचे काफी सारे कॉमेंट्स थे, जिनमें एक कॉमेंट एक लड़की ने लिखा था और उसमें लिखा था, मैंने रियांश को कई बार लड़कियों के साथ देखा, लेकिन इस बार मिस अनिका ने मिस्टर रियांश पर ऐसा जादू किया कि वो सारी दुनिया से बागी होने के लिए तैयार हो गए हैं। उनका बदला हुआ अंदाज देखकर काफी खुशी हो रही है। अनिका ये कमेंट पढ़कर मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद वो सभी लोग अनिका के सामने थे जो कि कल रात पार्टी में गए हुए थे और वो उसके ऑफिस के थे। अनिका उन सबकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे अच्छे से पता है कि ये आप लोगों में से किसी का काम है। अच्छा होगा आप सच मुझे बता दें, नहीं तो मेरे पास कई रास्ते हैं। और फिर रियांश के गुस्से से तो हर कोई वाकिफ है। इतना बोलने के बाद अनिका चुप हो गई, लेकिन उनमें से कोई भी ये बताने को तैयार नहीं था कि वो वीडियो किसने अपलोड किया है। हिना भी अनिका के बगल में खड़ी उन सबको देख रही थी। तभी उनमें से एक लड़का अपने बगल में खड़ी लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैंने इसके हाथ में कल पार्टी में फोन देखा था जिससे कि ये सबका वीडियो बना रही थी, हो सकता है इसी ने ये हरकत की है। अनिका ने जब घूर कर उस लड़की की तरफ देखा तो वो अपनी सफाई देने लगी। मंदिता ने एक झटके में उस लड़की के हाथ से उसका फोन छीना और उसका अकाउंट चेक किया तो उसने सच में कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, वो बेकसूर थी। मंदिता ने अनिका की तरफ इशारा करके उससे कहा, इस लड़की ने कुछ भी नहीं किया है। और अनिका चुप हो गई। जब अनिका ने देखा कि कोई भी अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है तो वो खड़े होते हुए बोली, अब ये काम पुलिस का है, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट ट्राई करके देख लिया, हर तरह से तुम लोगों के साथ बात करके देख ली, तुम लोग शायद प्यार की भाषा नहीं समझते। इतना कहकर अनिका केबिन से बाहर निकलने वाली ही थी कि तभी एक लड़का बोल पड़ा, मैम ये वीडियो मेरे फोन से बना है, लेकिन वो कुछ बोलता कि इसके पहले हिना ने उसका फोन छीन लिया और गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वीडियो अपलोड करने की। हिना ने उसके फोन से सारा डेटा डिलीट कर दिया और जबरदस्ती हल्का सा मुस्कुराते हुए अनिका से बोली, मैम मैंने उसके फोन से सब कुछ डिलीट कर दिया है, आप जाइए मैं सब हैंडल कर लूंगी। अनिका ने उस लड़के को कुछ देर तक देखा और फिर मंदिता से बोली, मुझे ऐसे लोग अपनी कंपनी में बिल्कुल नहीं चाहिए, फायर हिम। अनिका का अंदाज बिल्कुल रियांश की तरह था। वो लड़का अनिका को कुछ बताना चाहता था, लेकिन अनिका ने उसके पास आकर उसकी आंखों में देखकर सिर्फ एक बात कही, अब तुम्हारी किसी भी सफाई का कोई मतलब नहीं रहा। जब मैं तुमसे पूछ रही थी तो तुमने एक बार भी अपनी गलती नहीं मानी, शायद मैं तब तुम्हारा साथ दे पाती। इतना कहने के बाद अनिका अपने केबिन से निकल गई। वो लड़का घूर कर हिना की तरफ देख रहा था और हिना सर नीचे किए हुए खड़ी थी। कुछ तो था जो हिना और उस लड़के के बीच चल रहा था। सभी के जाने के बाद वो लड़का हिना के पास आकर बोला, आज जो तुमने किया है इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने मंसूबों में कामयाब हो जाओगी? कभी नहीं। हिना उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपना हर्जाना मिल जाएगा और तुम्हारी माँ का इलाज भी हो जाएगा, चुपचाप अपना फोन उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। इतना कहने के बाद हिना वहां से चली गई। अनिका अपने ऑफिस से बाहर निकलने वाली ही थी कि तभी हिना ने उसे पीछे से रोक लिया। वो हिना के हाथ में एक पार्सल रखते हुए बोली, मैम ये आपके लिए है। अनिका ने वो पार्सल अपने हाथ में लिया और उसे ध्यान से उलट पलट कर देखते हुए बोली, लेकिन इसमें है क्या और किसने दिया? हिना अनिका की तरफ देखते हुए बोली, मैम मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये शायद किसी इवेंट के टिकट्स हैं। अनिका ने वो पार्सल लिया और घर के लिए निकल गई। घर जाकर जब अनिका ने वो पार्सल खोला तो उसमें स्टार बिजनेस चैंपियन क्लब की तरफ से अनिका के लिए एक टिकट थी। ये इनवाइट देखकर अनिका की आंखें फटी की फटी रह गई और वो उछलते हुए बोली, मुझे इसमें कैसे इनवाइट किया जा सकता है? ये क्लब तो काफी बड़ी बिजनेस पर्सनालिटीज को ही इनवाइट भेजता है। उसके चेहरे पर सरप्राइज और खुशी एक साथ दिख रही थी। उसने तुरंत मंदिता को फोन लगाया और इस इवेंट के बारे में बताया। मंदिता और अनिका खुशी से झूम उठी थीं।